भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें उम्मीदवार बनाने का काम किया जा रहा है। तो पशुपति पारस जी को अपने भतीजे चिराग पासवान जी को भी आशीर्वाद देने की आवश्यकता है। यही पारस को दरकिनार कर दिया। कोई दरकिनार नहीं। भारतीय जनता पार्टी देखिए सबका साथ, सबका विकास, सबके विकास और सबके प्रयास पर काम करने वाली पार्टी है। जो भी राजनीति में है या ऐसे भी हैं, उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज 24। देखिए सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी। इसके पहले कुछ चर्चाएं हो, आपको तो पता ही होगा कि पशुपति पारस ने अपने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री का पद सबसे बड़ा पद होता है, वहां से इस्तीफा देना कुछ समझ में नहीं आता। ये तो पारस जी खुद बताने का काम करेंगे कि हमने क्यों केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी तो पशुपति पारस जी को भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बना करके और उन्हें सम्मान देने का काम किया। और मैं तो पशुपति पारस जी को उनसे यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव आपका सम्मान किया है और आगे भी आपको सम्मान देने का काम करेगी। और हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व कहीं न कहीं उन्हें महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठाने का काम करेगी। दूसरी बात, अब युवाओं का युग आ चुका है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी युवाओं के प्रति संवेदनशील हैं। आपने देखा होगा कि अब कई युवाओं को लोकसभा में उम्मीदवार बनने का, संसद पार्लियामेंट में संसद का टिकट उन्हें प्राप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें उम्मीदवार बनाने का काम किया जा रहा है। तो पशुपति पारस जी को अपने भतीजे चिराग पासवान जी को भी आशीर्वाद देने की आवश्यकता है। यही तो बात है। और चिराग पासवान जी को चचा आशीर्वाद देने का काम करें, चूंकि चिराग पासवान उनके भतीजे हैं। पशुपति पारस जी चिराग पासवान जी के चचा हैं। यही तो बात है। आपने अभी कही कि तो युवाओं का चचा जो हैं अपने भतीजे को आशीर्वाद देने का काम करें। और भारतीय जनता पार्टी पशुपति पारस जी को सम्मान देने का काम करेगी। ये कैसा सम्मान है? लोग यही बोल रहे हैं कि आपने बोला युवाओं का दौर है, यही कारण है कि चिराग पासवान को आप लोगों ने फ्रंट पे रखा और उसके बाद पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया। कोई दरकिनार नहीं। भारतीय जनता पार्टी देखिए सबका साथ, सबका विकास, सबके विकास और सबके प्रयास पर काम करने वाली पार्टी है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, आपने देखा होगा कि पशुपति पारस जी भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। आज जो उन्होंने इस्तीफा दिया है उसके पहले तो वह मंत्री थे। चिराग पासवान जी को तो भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाने का काम नहीं किया। तो अब यदि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान जी को सम्मान देने का काम करती, उन्हें 5 सीट देने का काम कर रही है, तो पशुपति पारस जी को भी अपने भतीजे को सम्मान देना चाहिए, आशीर्वाद देने की आवश्यकता है। और हर एक अभिभावक का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को, अपने भतीजे को, अपनी बेटियों को जो भी राजनीति में हैं या ऐसे भी हैं, उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। क्या विकल्प में हो सकता है कि विकल्प में वो अभिभावकों का भी सम्मान तभी होता है जब अपने पुत्रों को, अपने पुत्रियों को, अपने लोगों को सम्मान देने का काम करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देने का काम करते हैं। और पशुपति पारस जी को अब आशीर्वाद देना चाहिए। चिराग पासवान जी उनके भतीजे हैं और सारे गले शिकवे को दूर करके पारस जी को, चिराग पासवान जी को आशीर्वाद देने की आवश्यकता है। क्या ये इस्तीफा जो है, उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, क्या ये एक विकल्प दिखाता है कि हो सकता है कि वो राजद में जाने के लिए इस्तीफा दिए हों? एक विकल्प के तौर पर हम इसको देख रहे हैं। देखिए देश में मोदी की गारंटी चल रही है और देश की 97 करोड़ मतदाता और देश की 140 करोड़ जनता और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों, उनके जन कल्याणकारी कार्यों के साथ हैं। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वह करने का काम करती है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 535 संकल्पों को लेकर देश की जनता के बीच में आने का काम किया था। उन 535 संकल्पों में हमने 534 संकल्पों को पूरा करने का काम किया। 2019 के लोकसभा के चुनाव में 235 संकल्पों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आई थी और 235 में 225 संकल्पों को हमने पूरा करने का काम किया। आज आपने देखा होगा 500 वर्षों की कठिन जो भारतीय की प्रतीक्षा थी, जो 140 करोड़ देशवासी जिस प्रतीक्षा में थे, भव्य राम मंदिर, वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करने का काम किया। हमने धारा 370 को हटाने का काम किया। कांग्रेस क्या कहती थी? कांग्रेस तो यह कहती थी ना कि जब धारा 370 कश्मीर में समाप्त होगा तो खून की नदियां बहेगी। क्या हुआ कश्मीर में? एक कंकड़ और पत्थर भी नहीं चले। आज हमने देश में सीएए कानून को भी लागू करने का काम किया है। तो उन्हीं संकल्पों में एक सीएए संकल्प भी था और सीएए से मिर्ची भी लग रही है। देखिए, सीएए से मिर्ची लगने की जो जिन्हें मिर्ची लग रही है उन्हें हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कहने का काम किया है कि सीएए कानून किसी को नागरिकता प्रदत्त करती है, किसी को नागरिकता लेने का यह कानून नहीं है। और इससे डर उन लोगों को होनी चाहिए जो भारत के नागरिक नहीं हैं। यदि कोई भी भारतीय, मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सीएए कानून के बाद यदि किसी को डर लग रहा है, किन्हीं को भय लग रहा है, तो वे भारतीय नहीं हैं। और यदि भारतीय हैं तो उन्हें डर कैसा? चलिए, एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे पीयूष जी कि पेपर लीक एक ये बहुत ही गंभीर मामला है युवाओं के लिए, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही गंभीर मामला है कि बीपीएससी का पेपर लीक होता है, एडमिट कार्ड के पीछे पर उत्तर लिख के जाते हैं और उस पर भी बहुत सारे सवालें उठते हैं। तेजस्वी यादव भी आकर अपने राबड़ी आवास के बाहर कहते हैं कि हम भी 17 महीने रहे, हमारे में तो पेपर लीक नहीं हुआ, एनडीए की सरकार आते फिर से पेपर लीक। तेजस्वी यादव जनता के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को अध्ययन की कमी है। तेजस्वी यादव जी को बयान देने के पहले अपने पिता के कार्यकाल और 17 महीनों के कार्यकाल के भी अध्ययन की आवश्यकता है। तेजस्वी यादव जी यह बताने का काम करेंगे कि इन्हीं 17 महीनों के कार्यकाल में अमीन की बहाली की परीक्षा हुई थी, उसका भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था। क्या तेजस्वी यादव जी बताने का काम करेंगे कि उन्हीं के कार्यकाल में 21,000 पुलिस की बहाली हुई थी और उसका भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था? यह बताने का काम करेंगे? क्या तेजस्वी यादव जी यह बताने का काम करेंगे कि उनके पिता के कार्यकाल में 2 बीपीएससी के चेयरमैन जेल की सलाखों में गए थे? तेजस्वी यादव जी भूल गए वह कालखंड किसका था? 2005 के पहले 1 बीपीएससी के चेयरमैन, 2005 में जो 2004 में घोटाले किए थे उसके तहत वे जेल की सलाखों में गए, और 1997 में लक्ष्मी राय बीपीएससी के चेयरमैन हुआ करते थे, वे भी जेल की सलाखों में गए थे। तो क्या तेजस्वी यादव जी को यह भी बताने की आवश्यकता है? जनता को भ्रम की स्थिति में डालने का काम तेजस्वी यादव जी न करें। बिहार सरकार संवेदनशील है। हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी ने स्पष्ट कहने का काम किया है कि यह महागठबंधन की सरकार नहीं है, यह एनडीए की सरकार है। और एनडीए के कार्यकाल में, एनडीए के शासनकाल में, चाहे वह कोई भी माफिया हो, जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, पेपर लीक घोटाले करने वाले माफिया, कोई भी माफिया हो, चाहे वह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मछलियां क्यों न हो, कोई भी सफेदपोश हो, किसी भी राजनीतिक दल का उसे संरक्षण प्राप्त हो, वह जेल की सलाखों में रहेगा। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए थे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी। हमने इनसे बातचीत की। सबसे पहले तो पशुपति पारस के इस्तीफे को लेकर तो साफ तौर पर इन्होंने स्पष्ट रूप से, जो भी आप विजुअल में सुन सकते हैं। दूसरा सवाल हमने इनसे लिया कि बीपीएससी पेपर लीक जो सबसे कह सकते हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ एक खेलने वाला घोटाला ही कह सकते हैं कि घोटाला है, उसमें जिस तरीके के एडमिट कार्ड के पीछे उत्तर लिख कर जाने वाली शर्मनाक चीज़ें हुई है, उसको लेकर हमने सवाल किया और जो भी इन्होंने कहा वो स्पष्ट रूप से आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए सब बने और देखते रहेंगे न्यूज 24 में नंदन सहकरण के साथ। धन्यवाद।